हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल दैट इज अचीव आईएएस। तो दोस्तों, अभी जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, इंडिया जो है इलेक्शन फेज में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे माइंड में आया कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जनरल व्यू पॉइंट से, जिससे आपको बताया जाए कि हमारे इंडिया में जब वोटिंग हुई फर्स्ट टाइम तो वो कैसे हुई, हमारा जो पहला जनरल इलेक्शन था उसमें कौन कौन सी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, किन किन मुद्दों पे इलेक्शन हुए और देश का उस टाइम पे कैसा मूड था। तो दोस्तों, इसको मैंने एक जो सब टैगिंग दी है वो ये एक तरह से दी है मैंने, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जो हमारा जो हम इलेक्शन करने जा रहे थे वो एक तरह से बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था ह्यूमन हिस्ट्री में, बिकॉज अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी हो अपने सिटीजन्स को एकदम से। हमारा इंडिया जो था वो पहला ऐसा देश था जिसने डायरेक्टली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ऑल अडल्ट्स को दे दी, और उसको 1951-52 में उसको टेस्ट करने का टाइम आया। और कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में चाहे भी कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे यूएसए हो या चाहे यूरोप हो, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। दैट्स वाई इसको बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकले। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेन पार्टीज की, बिकॉज इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज लड़ती हैं तभी होते हैं। तो पार्टीज जो थी उनमें सबसे मेन जो पार्टी आ रही थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दोस्तों, मेन हो भी क्यों ना, बिकॉज जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारी नेशनल मूवमेंट थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। और जो उस टाइम के बहुत बड़े बड़े जो एक तरह से स्टॉलवर्ट लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। चाहे आप सरदार पटेल की बात ले लीजिए, चाहे पंडित नेहरू की बात ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे भारत के, उनकी बात ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर अपना सी राजा गोपालचारी ले लीजिए जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो दोस्तों, ये जो सारे थे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। तो सबसे मेन पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद जो दूसरी पार्टी इंपॉर्टेंट थी वो थी जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो इनफैक्ट जेबी कृपलानी भी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, फिर उन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना ली। और उसी तरह सोशलिस्ट पार्टी भी एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी जो थी जयप्रकाश नारायण की। और इनफैक्ट जयप्रकाश नारायण भी पहले कांग्रेस से एसोसिएटेड थे, और इन्होंने 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट में भी काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी कंजर्वेटिव पार्टी आती थी, वो थी जनसंघ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। और उसके बाद आती थी आपकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बीआर अंबेडकर ने बनाई थी। और उसके बाद थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और भी कई तमाम रीजनल पार्टीज थी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में वोट करने जा रही थी। तो यहां पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है ताकि ज्यादा आपको ऐसे प्रेशर ना लेना पड़े। सिर्फ मैं जनरल व्यू पॉइंट से ये वीडियो बना रहा हूं, ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं है कि आपको पढ़ाना है। आप इसको जनरल व्यू पॉइंट से देखिए कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, पार्टीज की तो हमने बात कर ली, लेकिन इलेक्शंस पार्टीज लड़ती हैं, लेकिन लड़ती किस पे हैं? लड़ती हैं आइडियोलॉजीज पे, लड़ती हैं इश्यूज पे, मुद्दों पे। तो 1951-52 का टाइम, और उस टाइम पे मुद्दे जो थे वो कैसे थे, और कौन सी पार्टी किस मुद्दे पे लड़ रही थी, एक बिल्कुल ही ब्रीफ यहां पे मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की है। तो अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस और पंडित नेहरू, स्पेशली पंडित नेहरू बिकॉज कांग्रेस में इंपॉर्टेंट थे, तो उनका जो मेन मुद्दा था, उन्होंने बोला था कि मैं इस इलेक्शन को इसलिए लड़ रहा हूं बिकॉज आई विल वेज एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म के वो बहुत खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के बहुत खिलाफ थे, लैंडलॉर्डिज्म के बहुत खिलाफ थे, और वो हर उस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे थे जिसके लिए आजादी को लिया गया था। तो इनफैक्ट जो आजादी के लिए, जिस चीज के लिए आजादी ली गई थी, अब उसको पूरा करने का टाइम था। तो ऑब्वियसली मुद्दे भी वही होने थे जो आजादी के टाइम जिसके लिए हमने अपना फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा। तो पंडित नेहरू ने, तो जब कम्युनलिज्म की बात हम करते हैं, तो पंडित नेहरू ने तो इस एक्सटेंट तक कह दिया था कि अगर कोई भी पर्सन रेजेज हिज हैंड टू स्ट्राइक डाउन अनदर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आई शैल फाइट हिम टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ बोथ एट द
हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम आउटसाइड. तो पंडित नेहरू जब थे एक स्टॉन्च सेकुलरिस्ट सेकुलरिस्ट पर्सन थे, तो वो इंडिया में ऐसे कम्युनलिज्म वाली पॉलिटिक्स को टॉलरेट नहीं करना चाहते थे. तो इनफैक्ट चलो कांग्रेस का तो स्टैंड हमने आपको बताया, और उसके बाद आपकी सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो जेबी कृपलानी की है उनकी बात करें, तो उन्होंने देखिए कांग्रेस को ब्लेम किया कि आप जो है पहले जो आपकी कमिटमेंट थी पुअर लोगों के प्रति आजादी के समय, जब आजादी का फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया, वो कुछ और थी, लेकिन अब जो आपकी पार्टी है वो एक तरह से रिच ओरिएंटेड हो चुकी है और आपकी पॉलिसीज को हम रिप्रेजेंट नहीं करते. और उन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी बनाई और इन्होंने क्लेम किया स्टैंड करने के लिए आइडियल्स ऑफ द ओल्ड गांधीयन कांग्रेस. तो इस चीज के लिए इलेक्शन लड़ने की इन्होंने बात करी. तो अगर हम बात करें जनसंघ की, तो जनसंघ मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ी कंजर्वेटिव पार्टी थी, और इसमें देखिए उनकी बेसिकली रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज थी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और उनके और तमाम जो एसोसिएट्स हैं. तो हिंदू नेशनलिज्म वाज अ काइंड ऑफ देयर फोकस. उन्होंने जो उनका फोकस था वो हिंदू नेशनलिज्म पे था, और वो सस्पेक्ट करते थे कि जो इंडियन मुस्लिम्स है वो उनको प्रॉब्लम माइनॉरिटी की तरह देखते थे. वो देखते थे कि देखिए मुस्लिम्स ने जो थे इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी, इसलिए इनको इनके इनको हम ऐसे पेट्रियोट्स नहीं मान सकते, तो थोड़ा शक की निगाह से देखते थे. मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए इस चीज को कहने में कि वो टोटली हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी ये. और कांग्रेस को इन्होंने ब्लेम किया कि आप देखिए जो मुस्लिम्स हैं उसको अपीज कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ हिंदूज. तो एक तरह से कम्युनलिस्टिक पॉलिसीज वाली इनकी टेंडेंसी थी. तो उसके बाद दोस्तों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी जो बी आर अम्बेडकर की थी, तो ऑब्वियसली उनका पर्पज था अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट. और उसके बाद आती है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआई थी, वो थोड़ी ज्यादा लेफ्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट ओरिएंटेड थी, और उन्होंने कांग्रेस को बोला कि देखिए आपकी जो गवर्नमेंट है वो लैंडलॉर्ड्स की है, मोनोपोलिस्ट्स की है, और नेशनल बिट्रेयर्स की है, और बुलेट्स की है, गन्स की है, तो इसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं एक अच्छा अल्टरनेटिव लेके आने के लिए उन लोगों के लिए जो बहुत देर से सफर कर रहे हैं. तो ये ब्रॉड आइडियोलॉजीज थी, इश्यूज थे दोस्तों. तो अब देखिए मूड की बात करते हैं, देश का मूड कैसा था. अब देखिए नई नई आजादी आई थी, और आजादी में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हिस्ट्री का थोड़ा भी आइडिया है उसको ये पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का और स्पेशली नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ओनली कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसने आजादी के लिए अपनी जो जंग थी वो लड़ी, ऐसा नहीं है. और भी बहुत सारी पार्टीज थी, बहुत सारे ग्रुप थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स थी जिन्होंने इस चीज की में पार्टिसिपेट किया, और उनको अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये एक तरह से टोटल इनजस्टिस होगा. और इनफैक्ट बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स थे जो कांग्रेस से एसोसिएटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, अपना बलिदान दिया, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. बट लेकिन जैसे हम बात करें अगर डोमिनेंट पार्टी की, तो वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उनमें थे आपके नेहरू जी और आपके महात्मा गांधी भी थे इसमें. तो देखिए सिंपल बात है, देश का मूड कैसा था. तो ये देखिए मैंने एक स्टेटमेंट यहां पे आपके सामने लिखी है, नेहरू वाज इंडिया एंड इंडिया वाज नेहरू. तो ये स्टेटमेंट थोड़ी मैंने पहले कॉन्टेक्स्ट में लिख ली, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत लेट आई थी 1971 के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी, उस टाइम पे ये डोमिनेंट मूड था कि इंदिरा वाज इंडिया एंड इंडिया वाज इंदिरा. सो लेकिन मैंने मुझे लगा कि ये चीज ऐसे अगर हम बिल्कुल एक क्रिस्प वे में डिफाइन करनी हो, तो मैंने इसको थोड़ा पिछले कॉन्टेक्स्ट में लेके जाके नेहरू जी पे इसको अप्लाई कर दिया. तो इनफैक्ट नेहरू जी की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से नेहरू जी की वेव चल रही थी उस टाइम पे. और अमेरिकन जर्नलिस्ट था एक, उन्होंने बोला था कि हमारे लिए इंडिया सिर्फ दो हमारे लिए इंडिया का मतलब सिर्फ दो है, एक तो फेमींस भूखमरी और दूसरा नेहरू. मतलब इंडिया भूखमरी से जाना जाता था या नेहरू की वजह से. और उसके बाद दोस्तों अगर आपको इलेक्शन टाइम की भी बात करूं, तो इनफैक्ट आपको हैरानी होगी जानकर कि कई लोगों को ये था कि वो पंडित नेहरू को डायरेक्टली वोट करने जा रहे हैं, हालांकि हमारा जो सिस्टम था वो था आपका जो आपका फर्स्ट पोस्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. सो इसमें देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आप अपने लीडर को वोट करते हो. कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग लीडर्स को वोट करते हो, तो वो लीडर्स पार्लियामेंट में जाते हैं और जिनकी मेजोरिटी होती है वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. तो नेहरू हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो लड़ नहीं सकते थे, लेकिन इनफैक्ट आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझाने की मैंने कोशिश की है कि एक 90 ईयर ओल्ड मुस्लिम एक रूरल असम में बंदा रह रहा था, वो जब अपनी
अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने गया, तो वो ये निराश होके वापस चला आया और वोट उसने नहीं डाली कि वो नेहरू के लिए वोट नहीं कर सकता। तो इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इनकी कितनी पॉपुलरिटी थी। तो एक तरह से जो जो अगर हम बात करें इलेक्शन 1951-52 का जीतने के लिए, जो कांग्रेस की प्रेस्टीज थी, जो नेहरू जी की प्रेस्टीज थी, वो बहुत थी। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मतलब एक टिकट आप सिंपल बोल दीजिए, अगर उस पर कांग्रेस की स्टैंप लगी हुई थी तो वो बंदा इलेक्शन जीत सकता है। तो इनफैक्ट आपको मैं इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ, बिकॉज आपने बी आर अम्बेडकर का नाम बहुत सुना है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है उन्हें, और उनका फ्रीडम स्ट्रगल में भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी काफी वो प्रोमिनेंट रहे हैं, एक पब्लिक फिगर रहे हैं। तो इवन इतनी बड़ी पब्लिक फिगर, एक कांग्रेस कैंडिडेट कजरोलकर जो बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होते हैं उसको उसको वो हार जाते हैं, कांग्रेस कैंडिडेट कजरोलकर के साथ फाइट करते हुए। तो आप देख सकते हो कि आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो गए, इनफैक्ट कांग्रेस कैंडिडेट जो कजरोलकर है, बट आप देख सकते हो कि एक कांग्रेस की स्टैंप होना और उस टाइम पे नेहरू जी की स्टैंप होना बहुत थी, बिकॉज जो पब्लिक थी उनका काफी ज्यादा इंट्रैक्शन था पंडित नेहरू जी के साथ, तो ये नेशन का एक तरह से मूड था। और ऑब्वियसली दोस्तों अब इलेक्शंस होने जा रहे थे, तो ऐसा तो नहीं होना था कि सबसे सब कुछ अच्छा अच्छा होना था, सब कुछ पॉजिटिव होना था। इनफैक्ट हमारी काफी इनफैक्ट विद इन और आउटसाइड जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डाउट किया इंडिया पे कि क्या इंडिया में ये इलेक्शंस जो बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है वो हो सकता है या नहीं। तो एक वेटरन मद्रास एडिटर थे, उन्होंने तो इसको यहां तक कह दिया कि ये बिगेस्ट गैम्बल है हिस्ट्री में। तो वो उन्होंने कहा कि देखिए जो मेजोरिटी ऑफ वोटर्स हैं वो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता किसको वोट करनी है और क्यों वोट करनी है, और वो इनफैक्ट वोट है क्या, तो ये बिगेस्ट गैम्बल है, बिकॉज एक इलिटरेट इंडिविजुअल्स जो 85% ऑफ हमारी पॉपुलेशन थी जो इलिटरेट थी लेकिन वो वोट करने जा रही थी, तो एक इनफैक्ट डिस्पोजेस्ड महाराजा थे कोई प्रिंसली स्टेट के, तो उन्होंने उनके पास एक अमेरिकन कपल आए ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स, तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा कोई भी संविधान जो यूनिवर्सल सफरेज देता है इन अ लैंड ऑफ इलिटरेट्स अनपढ़ों की लैंड पे वो एक तरह से क्रेजी है, मतलब के आप उसको एक तरह से पागलपन बोल सकते हो, और दुनिया अभी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं हुई है कि परमिट कर सके ऐसा एक्सपेरिमेंट। तो आप समझ सकते हो कि एक इनर जेलस भी थी महाराजा जो ऑलरेडी जो ट्रेडिशनली रूलिंग एलीट रहे थे, अब उनको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से प्रॉब्लम तो होनी ही थी, तो इनफैक्ट नेसेयर्स बहुत थे। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि ये सभी सारी स्टेटमेंट्स आपको आइडिया दे देंगी कि क्या एटीट्यूड था इंडिया में उस टाइम पे इलेक्शंस के प्रति। तो सिर्फ मैंने आइडिया देने के लिए आपको ब्रॉड चीजें यहाँ पे ब्रीफली मेंशन की हैं। तो इनफैक्ट आरएसएस जो थी, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक वीकली मैगजीन था ऑर्गेनाइजर, तो उन्होंने बोला था कि देखिए जी पंडित नेहरू जो हैं वो उन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि अपनी जिंदगी में वो कबूल करेंगे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सबसे बड़ा फेलियर था उनका इंडिया में। और इनफैक्ट वो उन्होंने बोला कि जो नेहरू हैं वो हमेशा स्लोगन से और स्टंट से जीते रहे हैं, वो एक तरह से हमेशा से आइडियलिस्ट रहे हैं और वो नहीं सुनेंगे, चाहे ये एक तरह से ड्रामा ही होने वाला है इलेक्शंस वाला। तो इनफैक्ट अमेरिकन एम्बेसडर थे जो इंडिया को अभी अभी रिसेंटली आए थे, वो 1952 में, तो वो भी पहले उनके माइंड में भी डाउट था और वो उनको डर था कि कहीं ये बड़ा फेलियर ना प्रूव हो। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि ये बिगेस्ट फार्स है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बट जब उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को देखा, जिस तरीके से, जिस डिटर्मिनेशन से इलेक्शन ऑफिशियल्स ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए और जिस डिटर्मिनेशन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उससे उनका ओपिनियन बदल गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि द बेस्ट वे इज टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट इज एज पर द विल ऑफ द पीपल टू हुम इट विल बी गोइंग टू गवर्न। तो ये उन्होंने बोला था। तो ये आप देख सकते हो कि नेसियर्स थे, डाउटर्स थे। और अब हम बात करते हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया जिसने वोट डाली, तो वोट डालने की सिंपल आपको मैं बात बताता हूं दोस्तों,
इनफैक्ट पहले जनरल इलेक्शंस में 60% पार्टिसिपेशन, जो वोटर टर्नआउट थी, वो देखी गई। तो आपको इन कुछ एग्जांपल्स से कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग कितने डिटरमिंड थे कि एक मदुरई में 110 ईयर ओल्ड पर्सन, जो बहुत वीक कंडीशन में थे, वो वोट डालने आए। अम्बाला की एग्जांपल है, एक 95 ईयर ओल्ड डम्ब एंड हंचबैक वुमेन ने वोट डाली। और इनफैक्ट इन महाराष्ट्र जो 90 ईयर ओल्ड मैन है, उन्होंने असेंबली इलेक्शन, बहुत ज्यादा वीक कंडीशन थी, फिर भी वोट करने आए, लेकिन उन्होंने असेंबली में तो वोट कर दी, लेकिन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की वोट के को डालने से पहले उनकी डेथ, वो काम कर गए, डेथ हो चुकी थी उनकी। तो बॉम्बे में तो इनफैक्ट ब्रिस्क पोलिंग हुई। और अगर हम मिजो हिल्स की बात करें तो वहां पे 113 पोलिंग बूथ्स थे जो 800 स्क्वायर माइल्स में फैले हुए थे, और जो 92,000 मिजोस थे, उन्होंने वॉक किया माइल्स, डेंजरस जर्नी ली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इनफैक्ट अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की भी, तो इलेक्शन ऑफिशियल्स ने बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन से पार्टिसिपेट किया, और वो एक तरह से अनसंग अनसंग हीरोज हैं हमारे। फ्रेंड्स, कुड यू वेट फॉर 2 मिनट, 2 मिनट्स। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो वो अनसंग हीरोज थे जो हमारे इलेक्शन ऑफिशियल्स थे ब्यूरोक्रेसी के, जिन्होंने इतनी डिटर्मिनेशन से, इतने सक्सेसफुल वे से फ्री एंड फेयर फेस्टिवल इलेक्शंस फेयर फेस्टिवल करवाया डेमोक्रेसी का। और अगर हम बात करें सुकुमार सेन की, जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने एक तरह से इस स्टूपेंडस इम्प्रेसिव टास्क को पूरा किया बड़ी ही इंटेग्रिटी से, डिटर्मिनेशन से। हालांकि वहां पे उस टाइम पे नेसियर्स बहुत थे, डाउटर्स बहुत थे, और रिजर्वेशंस बहुत थी लोगों की इस चीज के प्रति। तो आप देख सकते हो कि इंडिया ने फिर भी वोट किया। और अब बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट आए, 489 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुए, और 3280 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के लिए इलेक्शन हुए। बिगनिंग हुई इनकी 25 अक्टूबर 1951 को, वोटिंग पॉपुलेशन थी 176 मिलियन, और अब जो जो 21 साल से ऊपर जिनकी एज थी, और 50 इनमें से 85% जो थे वो इलिटरेट थे। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा टास्क था इंडिया के आगे, और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के आगे, बिकॉज दुनिया के किसी इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी संख्या में और इतनी इलिटरेट पॉपुलेशन में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन कभी नहीं देखा होगा, जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम किया। तो वोटर टर्नआउट अच्छी रही थी, 60% थी, जो 107 मिलियन लोग थे उन्होंने वोट डाला। और इनफैक्ट इस इलेक्शन में कांग्रेस जीती, और कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती पार्लियामेंट में, और आपकी 2247 सीट्स जीती आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। और वोट शेयर जो कांग्रेस का था वो 45% था पार्लियामेंट में, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 42.4% था। और परसेंटेज ऑफ जो सीट्स जीती उन्होंने 74.4% पार्लियामेंट में थी, और 68.6% असेंबलीज में थी। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थी। तो दोस्तों, बात तो हमने अब इतनी देर से की कि ये चीज हुई है, अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या था इस चीज का। तो देखिए, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपके सामने मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड प्राउड डेमोक्रेसी। दुनिया में, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, लेकिन हमने वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। चाहे नेसियर्स थे, चाहे पेसिमिस्ट्स थे, लेकिन हमने प्रूव करके दिखाया कि हाँ, हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं। और इनफैक्ट ये इंडिया का एक तरह से सक्सेस पॉइंट्स में ऐड होता है, सक्सेस स्टोरीज में ऐड होता है, कि इंडिया ने अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन किया है, इस फेस्टिवल को रेगुलरली कंडक्ट किया है, और इसकी इंटेग्रिटी को, इसकी प्रेस्टीज को नीचे नहीं लाने की कोशिश, बिल्कुल भी नीचे नहीं लाया गया है। तो इनफैक्ट इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और 7th लार्जेस्ट कंट्री है हम वर्ल्ड की, और वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड के सामने आज डेमोक्रेसी की तरफ फॉर्म में एक तरह से एग्जांपल की तरह पेश होते हैं। तो दोस्तों, ये पर्पस था आज की वीडियो बनाने का। मैंने ये वीडियो बनाई आपको सिर्फ जनरल वे में एजुकेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी, इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा।
और अगर आपका मन हो तो कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसी है, और ऑल्सो आप इंश्योर करें कि हमारे चैनल अचीव आईएएस को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम आईएएस की तैयारी तो करवाते हैं और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लेके आते रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे, डू इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस।